Good evening friends. Today I am going to discuss on some concept of conformational isomerism. अभी तक हमने जो कुछ इसमें पढ़ा है अभी कोई ज्यादा चीज मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन अभी आपका कॉन्सेप्ट ही मैं केवल क्लियर कर रहा हूँ। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हम इस टॉपिक को ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। तो आज हम अभी आपको चार पांच वीडियो में मैंने ज्यादातर केवल जो भी चीजें सिखाई थी वो सिंपली ज्यादातर बच्चों को आती हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी बुक की स्टडी नहीं की है तो उन्हें काफी प्रॉब्लम आती है। तो कन्वर्जन जितने भी मैंने रिएक्शंस के कराए हैं, फॉर्मूलों के कराए हैं, वो आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आज आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं। इस टर्मिनोलॉजी से हम साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म जब पढ़ेंगे, उनकी स्टेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, हमें पहले से पता ही नहीं होता है कि होते क्या है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो चलिए आज कुछ छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी जो मैं यहाँ लिखी हुई है आप देख रहे हैं, जैसे आपको साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मेशनल आइसोमर बनाना है, चेयर है, ट्विस्ट बोर्ड है, हाफ बोर्ड है, हाफ चेयर है, इस टाइप के जो नाम होते हैं ये आपने सुन चुके हुए हैं, लेकिन मेनली किन की जरूरत पड़ती है और किस तरीके से इनको बनाया जाता है आज आपको मैं इनको सिखा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात आज जो हम पढ़ रहे हैं उसका मेन मकसद क्या है वो ये है, चेयर कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मैं सारे कन्फॉर्मर बताने वाला नहीं हूं आज, आज केवल इसके लिए जो टर्म हमारे लिए यूज होना है उनकी केवल मैं चर्चा कर रहा हूं। इससे मैं आगे अपने जो वीडियो बनाऊंगा वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो आज साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फॉर्मर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी हमें यूज होना है केवल आपको सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन का आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये रहा हमारा साइक्लोहेक्सेन और इस साइक्लोहेक्सेन का मैं इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जोड़ देता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं इसमें ये यहां लगा देते हैं हम CH3, ठीक है, और उसके बाद इसमें दूसरा जो बॉन्ड लगाएंगे वो यहां पर है H, उसके बाद फिर एक और बॉन्ड लगाऊंगा मैं यहां पर थ्री पोजीशन पर, इसे बैच बोला जाता है और इसे डैश बोला जाता है। इसी टर्मिनोलॉजी को आपको आज दिमाग में रखना है। जिन लोगों ने बिल्कुल भी अभी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं जानते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये दोनों बैचेज हैं और ये डैश है, डैश पर मैं यहां पर ये वाला बॉन्ड लगा देता हूं फिर से आपके सामने, ये एच, इस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन है और इसका अपन नाम लिख सकते हैं। यहां से नंबर डाल देता हूं, ये 1, ये 2 और ये 3, तो क्या बोलेंगे इसको 1,3 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये स्ट्रक्चर के द्वारा मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हम वास्तव में साइक्लोहेक्सेन जो ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर मैं आप इसको स्ट्रक्चर के रूप में रियल वे में आपको किसी मॉडल से अगर बताऊं तो ये ऐसी इस फॉर्म में नहीं होता है, या तो ये चेयर फॉर्म में होगा या ये बोट फॉर्म में होगा।
तो चेयर फॉर्म में ये कैसा दिखाई देगा, और इसके जो चेयर कंफॉर्मर होते हैं वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। कौन से स्टेबल होते हैं, कौन से स्टेबल नहीं होते, दूसरा क्वेश्चन बनेगा, वो तो मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखाने ही वाला हूँ, लेकिन उससे सिखाने के लिए आपको ये टर्मिनोलॉजी जो मैंने यहाँ लिखी है इनके बारे में थोड़ा जान लो। तो देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाता है, ए डैश है, ठीक है, ए डैश है, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला बॉन्ड ये बैज है, डब्ल्यू डी जी ई, ये बैज बॉन्ड है, बैज एंड डैश, इस टाइप से आपको ये स्ट्रक्चर मिलेंगे, ये बैज डैश ऐसा होता है। बैज डैश का मतलब भी मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया, यहां पर बताने जा रहा हूं, ये जो बैज है ये वाला, ये प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की साइड में होता है, और जो डैश है वो प्लेन ऑफ पेपर के नीचे की साइड में होता है, एक तो अप है और दूसरा डाउन कंडीशन में होता है, यानी ये जो है बैज जो दिख रहेगा ये किधर को होगा, प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर की साइड में रहेगा, और ये प्लेन ऑफ पेपर से नीचे की साइड में रहेगा, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये थ्री डायमेंशनल आप देखते हैं, प्लेन ऑफ पेपर से ऊपर और प्लेन ऑफ पेपर से नीचे, और ये प्लेन पर होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इस टाइप से बैज और डैश आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको हमें हमेशा किस फॉर्म में स्टेबल होता है, चेयर कंफॉर्मर के रूप में, चेयर फॉर्म में इसको आपको बनाना है, तो चेयर फॉर्म इसको आपको मैं बनाना सिखा रहा हूं, जिससे आप सारी टर्मिनोलॉजी में आ जाएगी। चलिए चेयर फॉर्म में कैसा दिखेगा इसके दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। यहां देखिए आपको इस टाइप से दो पैरेलल लाइन खींचना है, इस टाइप में, ये देखिए बनाना सिखा रहा हूं आपको, इस टाइप से दो पैरेलल लाइन खींच लीजिए, इस टाइप, बस बड़ा सिंपल तरीका बनाने का, और इसको ऊपर की तरफ मिला देना है इस लाइन से, ये, और इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए, ये बन गया है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो इस टाइप में मिलेगा आपको, और इसको हमें यहां मिला देना, पहले तो हमें बनाना आना चाहिए, इससे हम आगे के क्वेश्चनों को आपको डिटेल में जल्दी जल्दी बना के सिखा पाएंगे। तो ये चेयर टाइप में आपको दिखाई देता है, जैसे अपन चेयर पर बैठते हैं ना, तो यहां से ये इस टाइप में। अब इस चेयर को ये जो साइक्लोहेक्सेन का डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन आप देख रहे हैं ना, वो इसी का फॉर्म है, इसमें हमने मिथाइल ग्रुप और एच कहां लगाना ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा। अब इसमें एक लिखा ना रिंग फिलिप, तो इसको रिंग फिलिप को मतलब इसमें जो ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, रिंग फिलिप हो गई, कोई ज्यादा दिखा नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए इसी का, देखिए अब मैं फिर एक बार पैरेलल लाइन बनाऊंगा, और उसमें आपको इस वाले पार्ट को जो लाइन ऐसे खींचे, इसको मैं इस टाइप से करके नीचे कर दिखा देता हूं। अब आप ऐसा बना लीजिए, ठीक है, अब इसमें ये भी पैरेलल बनाना है आपको, देखिए ये पैरेलल बनाना है। अब इसमें मुझे ये जो लाइन अभी जो ऊपर थी इसको नीचे बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ये देख लीजिए ये नीचे हो गए, इस पार्ट को ऊपर रख लीजिए, ये रिंग फ्लिप का भी मैंने आपको, सबसे पहले आपको ये प्रैक्टिस करना है, ये रिंग फ्लिप कहलाती है, जिसमें ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर हो जाता है। अगर कोई अभी बात मैं कुछ वर्ड के रूप में करूंगा, अगर एक्सियल कंडीशन में कोई चीज है तो वो दूसरी फ्लिप होने के बाद इक्वेटोरियल हो जाती है, जो कोई इक्वेटोरियल होती है वो एक्सियल में पहुंच जाती है, इसको आप बना के मैं बताऊंगा। ये आपका ये स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें रिंग फ्लिप, रिंग फिलिप, ये देखिए। अब इसमें अब आपको सिस ट्रांस सबसे पहले मैं इसमें बता दूं, यहां नहीं दिखाएंगे इस चीज को, इसी में आपको बताना है,
तो देखिए सबसे पहली बात तो इसमें आपको जो बॉन्ड लगाना होते हैं, जैसे ये कार्बन है ना, सिक्स कार्बन, तो सिक्स कार्बन में ये वाला पार्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला पार्ट है, इसमें ये ऊपर की तरफ है, यानी यहाँ पर कुछ भी जुड़ा है, चाहे H2 है या CH3 या जो भी कुछ जुड़ना है आपको, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट या एटम। अब ये वाला इसको मान लीजिए वन मान लेता हूँ मैं, तो टू नंबर जो होगा ना वो ये होगा, ये वाला पार्ट नीचे ऊपर है तो ये नीचे आएगा, जस्ट नीचे। जब ये नीचे है तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसे ऊपर की तरफ दिखा दो, ऊपर निकालते हैं ऐसे। अब ये ऊपर हो गया तो ये कहाँ जाएगा, ये नीचे रहेगा, बिल्कुल जस्ट नीचे दिखाना है आपको। जब ये नीचे हो गया तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ होगा, जब ये ऊपर हो गया तो ये वाला पार्ट नीचे की तरफ होगा, ऐसे। ये इसका बनाने का तरीका है। ये मैंने इस कार्बन पर आपका सारे हाइड्रोजन या मिथाइल या इथाइल आइसोप्रोपाइल जो भी सब्स्टिट्यूएंट आपको जुड़ना है, पहले आपको इस टाइप की जो बॉन्ड है वो ऊपर की तरफ, कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर की तरफ, देखिए 1, 2 एंड 3, नीचे की तरफ 1, 2 एंड 3। ये ऊपर वाले जो बॉन्ड होते हैं ना, ये वाले ऊपर वाले बॉन्ड, इस ऊपर वाले बॉन्ड को देखिए कहा जाता है, इस वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल, क्या कहते हैं एक्सियल, ये एक्सियल, ये ऊपर वाला भी एक्सियल है और ये नीचे जो आप देख रहे हैं, कोई भी नीचे जो आप देख रहे हैं ये भी एक्सियल कहलाएगा, बस ये आपको याद रखना, ये भी एक्सियल कहलाएगा। अब आपको दूसरी बात करते हैं कि दूसरा बॉन्ड आप देखें कैसे लगता है, ऊपर की तरफ अगर ये है, कहीं से भी स्टार्ट करिए आप, मान लीजिए यहां से आपने स्टार्ट किया, ये ऊपर की तरफ है तो दूसरा बॉन्ड का जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, ऐसे ऐसे इस टाइप से। ये लेफ्ट और राइट दिखता जरूर है लेकिन हकीकत में इसको ऊपर है तो इसको क्या माना जाएगा, नीचे की साइड में माना जाएगा। अब ये ऊपर, ये नीचे की साइड है तो अब कैसा होगा, दूसरा बॉन्ड ऊपर की साइड में, ऐसे। Yes. अब ये ऊपर है तो दूसरा कैसे होगा, नीचे की साइड में, यानी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरह कार्बन के चारों तरफ जो 109.5 डिग्री का एंगल होता है वो ही इसके अंदर होना चाहिए। अब देखिए देखते चले जाए, ये नीचे है तो अब अगले वाले की दिशा कितना को होगी, ऊपर की साइड होगी, ऐसे दिखा दो, ये ऊपर की साइड। अब ये ऊपर है तो ये नीचे की साइड को होगा, ये नीचे है तो ये ऊपर की साइड को होगा, ये देखिए इस टाइप से बॉन्डिंग रहती है। ये सारे बॉन्डिंग दिख रहे हैं आप पीले कलर के, ये सब एक्सियल हैं, और जो नीले कलर के बॉन्ड हैं इनको हम बोलेंगे, ये नीले वाले जो बॉन्ड हैं ये कहलाते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल ये। तो यहां पर एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड इस टाइप से रहते हैं, ध्यान रखना सारे ऊपर की साइड में, सारे नीचे की साइड में हैं वो एक्सियल हैं, और जितने भी साइड में जुड़े हैं ऊपर, जैसा ये लिखा हुआ ऊपर है तो उसको नीचे ही माना जाएगा, यानी डाउन कंडीशन मानी जाएगी। तो ये भी इक्वेटोरियल है, और आपको तो ये दिख रहा है यहां, यानी 6 के 6 ये भी इक्वेटोरियल कहलाएगा, इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल। तो कितने 6 एक्सियल हैं ऊपर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 एक्सियल हैं और 6 इक्वेटोरियल हैं, इस टाइप से ये रहते हैं। अब अप और डाउन को कैसे दिखाओगे, अप और डाउन को आपको ऐसे दिखाना है, देखो ये बॉन्ड जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये अप है, ये बॉन्ड कैसा है, ये अप है, तो डाउन कौन सा होगा, ये अप है, ये डाउन है, यानी एक्सियल में ये अप है और एक्सियल में ये डाउन है। अब इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल में ये वाला इक्वेटोरियल है, ये वाला ब्लू कलर का, इसको आप क्या कहेंगे, ये ब्लू कलर वाला जो ये दिख रहा है आप, क्योंकि ये बॉन्ड आप है तो इसको क्या लिखोगे, डाउन, ये डाउन है।
अप कौन सा होगा? देखो ये अप है, ये डाउन है, ये डाउन है तो ये अप होगा, तो इसको अप बोलेंगे। और इनके हमें बहुत ज्यादा जरूर पढ़ना है, अप कौन सा है, डाउन कौन सा है, एक्सियल कौन सा है, इक्विटोरियल कौन सा है, तो ये आपको पकड़ा बनाना आना चाहिए। उसके बाद उनकी नंबरिंग अगर आपको करना अगर और आ जाती है तो बेस्ट होगी। नंबरिंग कैसे करते हैं, कहीं से भी आप चालू कर दीजिए, चाहे यहां से करो, यहां से करो, कहीं से भी करो, एक जगह से आप करके कर सकते हैं। वन है, ये टू है, थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, इस तरीके से आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। अभी मैंने CS3 और CS3 आपको नहीं जोड़ा है और उसको मैं जोड़ना वहां पर अलग से बताऊंगा। पहले इसमें आपको सिर्फ एक एक्सियम और इक्विटोरियल समझ में आ गया, बैच गैस समझ में आ गया, अप डाउन समझ में आ गया, रिंग फ्लिप समझ में आ गई, सिस और ट्रांस का मतलब अभी आपको इससे समझ में आ गया, ये सारे बॉन्ड आपको समझ में आ गए हैं। यहाँ पर आपको सिस ट्रांस बता देते हैं, उससे कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। इसलिए मैंने आप देखो यहाँ पर ये वन नंबर है तो सेम कंडीशन इसी में यही रहेगी। वन वाले कंडीशन जैसे हम करते हैं यहां से काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सेम कंडीशन है, बस आपको फिलिंग करना है, इसमें सिखाया है। अब इस बॉन्ड को मैं एक बार और यहाँ बनाता हूँ, उस क्लास ये इस कंडीशन में लगी हुई है और सिस कैसे कहेंगे, ट्रांस कैसे कहेंगे, ये भी आपको बताने वाला हूँ। देख लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल और बना रहा हूँ आपके लिए। देखो अभी आपको जैसा बनाना सिखाया था वैसे ही बनाना है आपको। ये देखिए ये एग्जाम्पल बन गया। अब आपको इसमें वन नंबर मान लीजिए, मैं इसको वन नंबर मान लेता हूं। वन में CS3 किस कंडीशन में है, बैच कंडीशन में है, बैच यानी ऊपर की साइड में है, तो यहां पर मैं इसको यहां पर ऊपर की साइड में लगाऊंगा, यहां पर मैं ऊपर की साइड में लगा देता हूं उसको, ठीक है, ये लग गया यहां पर CS3। और H कैसा है, नीचे की साइड में, तो यहां पर हम ये इक्वेटोरियल करके यहां लगा देते हैं दूसरा इस तरीके से आपको लगाना है। बैक यानी ऊपर की साइड में, डैश यानी नीचे की साइड में, तो ये एक्सियल है और ये इक्विटोरियल है। अब टू नंबर छोड़ दीजिए, थ्री नंबर पे जब हम बनाएंगे तो थ्री पे क्या मिलेगा आपको, ये ऊपर है तो ये कहां रहेगा, नीचे की साइड में रहेगा, और ये कहां रहेगा, ये ऊपर की साइड में रहेगा। देखिए ये ऊपर की साइड, ये CS3 कैसा है, ये CS3 भी कैसा बॉन्ड है, बैच बॉन्ड है, तो यहां पर ये CS3 रहेगा, ठीक है। और दूसरा बॉन्ड H कैसा है, वो नीचे की साइड में रहेगा, यानी इक्विटोरियल। ये दोनों पार्ट है, नीचे रहेगा, इस साइड में रहेगा, यहां पर ये देखिए ये ऊपर है तो ये नीचे होगा, ये नीचे है तो दूसरा वाला ऊपर की साइड, ऐसे यहां ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, दूसरा नीचे की साइड में होगा, यहां पर ये नीचे की साइड में आएगा तो दूसरा ऊपर की साइड में होगा। इस टाइप से बॉन्ड लगेंगे सारे के सारे, यानी ऊपर की साइड में आपको पहले लगाना है और उसके बाद बचे हुए को इक्वेटोरियल लगाना है। तो देखिए सारे के सारे यहां पर देखिए ये ऊपर की साइड में है और ये भी ऊपर की साइड में है दोनों, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं सिस, अप अप क्या होगा सिस, इस टाइप की कंडीशन में हमारा सिस होता है। अगर हम इस वाले पार्ट में तुम्हें और समझा देते हैं, ये तो मैंने इस वाले स्ट्रक्चर को बनाया है, पर ये अप अप कंडीशन में हो, चाहे वो एक्सियल हो चाहे वो इक्विटोरियल हो, दोनों की जो कंडीशन है, जो दिशा है, वो या तो ऊपर की तरफ हो या दोनों की नीचे की तरफ हो, तब उसे हम सिस कहेंगे। और अगर दोनों में एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है तो उसे ट्रांस बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर ऐसे कहीं से भी ले लो, ये वाला इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, मैं ऐसे करके बता रहा हूं। यहां से ये मान लीजिए अप है और ये डाउन है, तो अप कंडीशन में मैं क्या लगा दूं CS3 और H,
और इसको टू नंबर मान लेते हैं। टू नंबर में नीचे की तरफ में सी एस थ्री लगा देता हूं और ऊपर की तरफ एच, क्योंकि जो इक्वेटोरियल है वो रिंग से बाहर की तरफ होता है, हमें इसमें पता नहीं लगता, ऐसा लगता है अपने सामने ऐसे 90 की डिग्री पर बना दिया, ऐसा नहीं होता है। जो ऊपर और नीचे बॉन्ड है, जो साइड में बॉन्ड लगे हुए, ये बिल्कुल अपनी रिंग से दूर रहते हैं, तो वहां स्टेबिलिटी पे इसमें बहुत अंतर पड़ेगा। तो देखिए यहां पर सी एस थ्री कैसा है, अप कंडीशन में है, सी एस थ्री कैसा है, अप है। देखिए ये सी एस थ्री अप है और ये सी एस थ्री डाउन है, एक अप है तो दूसरा डाउन है, ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस। ट्रांस मींस क्या बोलेंगे, आप एक अप होना चाहिए और दूसरा डाउन, तब जाकर ये ट्रांस होता है। अप है एक डाउन है तो ट्रांस है, दोनों अप हैं तो सिस है, दोनों डाउन अगर है, डाउन डाउन, दोनों अगर डाउन है तो अभी सिस होगा, दोनों अप है तो भी सिस होगा, एक अप और एक डाउन है तो ट्रांस होगा, चाहे इक्वेटोरियल हो चाहे वो एक्सियल हो, हम अप डाउन को बड़े आसानी से और सिस ट्रांस को बड़े आसानी से सीख सकते हैं, ये सिस और ये ट्रांस। तो आप किसी भी रिंग को, पहले तो आपको चेयर कन्फॉर्मेशन ऐसा बनाना है, रिंग फ्लिप करना है तो जस्ट ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग को कर दीजिए, रिंग फ्लिप हो गई, कोई अंतर नहीं पड़ा, केवल आपके ये चीजें बदल जाती है। अब अपने आप ही आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐसे मान लीजिए ये वाला ऊपर की तरफ था, ये वाला पार्ट, ये वाला कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया। तो आपको इस तरीके से ये बनाना पहले तो आपको सिखा दिया है, उसके बाद इससे अगर डायरेक्ट बनाना चाहो तो बदल लिया करो, बैच डैश बैच बॉन्ड है तो ये ऊपर की तरफ होगा और डैश है तो नीचे की तरफ होगा, वो आप लगाएंगे। काउंटिंग करना कहीं से ये सीख लेना, 1 2 3 4 5 6, ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर सब्सिक्वेंट ग्रुप अटैच है इसलिए आप इसमें यहाँ से काउंट कर रहे हैं, वरना आपको अगर ये नहीं जुड़े हुए हो तो कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हो। तो ये आपकी 1 2 3 4 और रिंग फिलिप, ये चेयर कन्फॉर्मेशन साइक्लो एक्सिस की स्टेबिलिटी निकालने के लिए हमें एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन में आना बहुत जरूरी है, अप डाउन कंडीशन यानी सिस ट्रांस आना बहुत जरूरी है, उसके बाद में रिंग को फिलिप करना हमें आना चाहिए, और बैच क्या होता है डैश क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, काउंटिंग कहीं से भी करें कर सकते हैं, और इसमें बॉन्ड लगाना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 3 ऊपर की तरफ और 3 नीचे की साइड में, और अप और डाउन आप पहले लगा लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ स्ट्रेट नीचे की तरफ, उसके बाद बच्चे को कौन को आपको क्या करना है दूसरी कंडीशन में बनाना है, अगर कोई ऊपर की साइड में है तो दूसरे वाले को आपको नीचे की साइड में दिखाना है, नीचे की साइड का मतलब इससे होता है जैसे ऊपर की साइड में है जिसको आप नीचे की साइड में दिखाना है, दूसरा डाउन कंडीशन भी मानी जाएगी, बनाएंगे आप ऐसे कि लेफ्ट राइट जितना है लेफ्ट राइट नहीं होता है, बस इस टाइप से आपको बॉन्डिंग करना है। और देखो ये चीज आपको जो बताई थी मैंने, इसमें आपको कुछ नहीं दिखाई थी, ये तो अगर आपने यहाँ पर कुछ लगा था तो क्या लगा होगा यहाँ पर, एच देखो ये एच अटैच है, एच है सब जगह एच है, इसमें अगर मैं सी एस थ्री वाला फॉर्मूला ना जोड़ू क्या क्या लगेगा, एच देखिए एच 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 ठीक है, और ये भी एच, बस सारे एच लगा, ये साइक्लो एक्सिन का स्ट्रक्चर, साइक्लो एक्सिन से फिर आपने 1 2 डाइन का है या 1 3 डाइन का साइक्लो एक्सिन का स्ट्रक्चर है, 3 नंबर है तो यहाँ पर इसको 1 देंगे, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, इस तरीके से आपको ये छोटी सी चीजें जो समझाने के लिए जरूरी थी, कल से हम उसको आगे बढ़ाने वाले हैं, इसकी स्टेबिलिटी कैसे चेयर कंपाउंड बनते हैं, साइक्लो एक्सेंट की कैसे बनेंगे, साइक्लो ब्यूटेन की कैसे बनेंगे या किसी अदर कंपाउंड की कैसे बनेंगे, सब सिखाऊंगा एक एक करके, आप इसको पहले तैयार कर लीजिए, इसमें किसी प्रकार का भी कोई कंफ्यूजन हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे जरूर बताना, थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू।